सत्संग से सदगति होती है। मुरली सुनने की विधि याद रही, मुरली के ऊपर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो बताना। मुरली भाई जी मिलती नहीं, सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, याद नहीं रहती है, हाँ तकलीफ है, तब बाबा ने कहा सबसे सहज याद है। हाँ देखो खात माता है, खाना में थाली में बहुत खाना देती है, सब कुछ खाना ऐसा नहीं, जो अच्छा लगा वो खाओ, जो अच्छा नहीं लगता निकाल के रख दो। खाने में मिर्ची भी होती है वो भी खाएंगे, निकाल के रख देंगे ना। मुरली में बहुत सारी बातें आती है, वो सब कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं करो, जो आप कर सकते हो वही ले लो, वो मेरे लिए, बाकी मेरे लिए नहीं और किसी के। ऐसे बाबा ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों आप नहीं कर सकते हो, कोई खाने में अच्छी चीज नहीं लगती है नहीं जबरदस्ती खाओ, नहीं निकाल के रख दो, जो अच्छा लगता है वो करो। कभी कहते बाबा मुझे भी ये कहता है, ऐसे कहता है, ऐसे कहता है, नहीं हाँ कहता है, क्योंकि बाबा के सब प्रकार के बच्चे हैं, सारे विश्व के बच्चे हैं, तो उसमें से जिसको जो करना चाहते हो आप, जो कर सकते हो वो आप करो, बाकी छोड़ दो चलेगा। ऐसे नहीं सब कुछ ये भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, नहीं कर सकते, क्यों, सभी राजा नहीं बन सकते। एक परिवार, एक भी परिवार में राजा भी है प्रजा भी है, नहीं तो खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, सफाई कौन करेगा, वो भी चाहिए ना। तब देखो गुलदस्ते में पत्ते भी है, फूल भी है, सभी है। तो इसके लिए ऐसा कभी नहीं सुना मुरली सुनने के बाद ये नहीं कर सकते, भगवान आके ऐसा क्या बताता है, ये नहीं कर सकते, कोई चाहिए नहीं कर सकते, छोड़ दो, जो आप कर सकते हो सबसे सहज चीज ढूंढना, जो आपको अच्छी लगती है आप कर सकते हो।